Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित कई विषयों कई मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज के एपिसोड में हम भारतीय संसद के बारे में बातचीत करेंगे हम सब जानते हैं कि आ, अगर हम हिंदुस्तान की राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें यहाँ के संसद और इसके स्वरूप को समझना आवश्यक होगा आ, संसद संसदीय कार्रवाई सांसद राजनीतिक दल ये सभी ऐसे आयाम हैं जो हमारे राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और भले ही हम सब राजनीति में रुचि रखें या ना रखें हमारे पास आ, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है और आ, हम यह समझते हैं कि हम जिन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेज रहे हैं वे हमारे एमपी या सांसद होते हैं और संसद में कानून बनाया जाता है और संसद में बहुमत होने पर ही सरकार बनती है इस तरह की एक आम फहम समझ आ, आम भारतीय के मन मस्तिष्क में होती है हालांकि इसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है पर आम तौर पर लोग इतनी समझ ज़रूर रखते हैं आज के इस आ, पूरी चर्चा में आ, मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आप सबको भारत की संसद के बारे में आ, कुछ सामान्य बातों की जानकारी दे दूं। मेरी यह कोशिश होगी कि इस एपिसोड से गुजरने के बाद आप यह समझ पाएँ कि संसद के भीतर आ, कौन कौन से तत्व आते हैं संसद किस तरीके से कानून बनाने का काम करती है संविधान संशोधन में संसद की क्या भूमिका होती है और इसी तरीके के तमाम दूसरे पहलुओं पर मैं बातचीत रखने की कोशिश करूँगा अगर हम और नज़दीक जाकर देखें तो असल में भारतीय संसद और उससे जुड़ी विवेचना अपने आप में एक बहुत लंबा विषय हो सकती है आ, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अलग अलग तरीके के पहलू हैं और उन पर गहराई में जाने की काफ़ी संभावना है इसलिए कई बार आपको यह लग सकता है कि इस पूरे एपिसोड में जो बातें कही जा रही हैं वह थोड़े सामान्य किस्म की हैं लेकिन मेरी जो पूरी कोशिश है वह यह है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी देने के साथ ही साथ मैं संसद के अंगों के प्रदर्शन पर भी थोड़ी बातचीत रखूँ इस पूरी परिचर्चा का जो स्वरूप है वह इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे उसके बाद संसद के अंग माने जाने वाले तीन तत्वों राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के बारे में एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश करेंगे फिर हम यह समझेंगे कि संसद के सत्र और बैठकें कैसे होती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है और उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है संविधान का संशोधन कैसे होता है और जिसे हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं उसका क्या तात्पर्य है और संसद और कार्यपालिका के बीच में कैसा संबंध रहा है उसका क्या अनुभव रहा है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और इस संदर्भ में हम आ, अपने देश में संसदीय लोकतंत्र की इतिहास से भी गुजरने की कोशिश करेंगे मिसाल के तौर पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर नेहरू का दौर था तो उस समय कैसा संबंध था वर्तमान दौर में उसमें क्या परिवर्तन आया है और उसके बाद हम संसद और न्यायपालिका के बीच के संबंध पर भी विचार करेंगे कि आखिर इनके बीच के संबंधों को कैसे देखा जा सकता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण मसला इसलिए बन जाता है क्योंकि जो संविधान में संशोधन करने का एक पूरा अधिकार है या नया कानून बनाने का अधिकार है वह संसद के पास होता है ऐसा संसदीय व्यवस्था में माना जाता है लेकिन हमारे देश में जुडिशरी ने न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का विकास किया है और इसके तहत जो संसद की सारी शक्ति है वह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ गई है इसका क्या तात्पर्य है और समय के साथ विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच में किस तरीके के संबंध विकसित हुए हैं हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आखिर में हम आ, संसद के क्षरण से संबंधित कुछ विवादों को निष्कर्ष के रूप में देखेंगे और उन पर बातचीत करेंगे आ, जो हमारे देश में अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो यह काफ़ी स्वाभाविक रूप से विकसित होकर हमारे पास आई क्योंकि औपनिवेशिक दौर में हम जिस व्यवस्था को सबसे नज़दीक से जान रहे थे हिंदुस्तान के नेता राजनीतिक कार्यकर्ता विद्वान वह व्यवस्था थी ब्रिटेन की व्यवस्था तो हमारी इस जानकारी के कारण और अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर जो संवैधानिक सुधार किए गए उन सुधारों के कारण जिस तरह की व्यवस्था स्थापित हुई उस व्यवस्था में एक तरीके की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली थी और उसमें यह व्यवस्था थी कि एक संसद के माध्यम से या चुनी हुई विधायिका के माध्यम से सरकारों का गठन किया जाना चाहिए हालांकि कभी भी केंद्र स्तर पर यह पूर्ण रूप से व्यवस्था लागू लागू नहीं हुई उन्नीस का अधिनियम भी कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ लेकिन इसके साथ ही संघवाद का विचार भी साथ साथ चलता रहा और संघवाद के विचार कि में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था उस समय कैबिनेट मिशन प्लान में जिस तरीके की प्रणाली को अपनाया गया था वह एक संघवाद के ज़्यादा करीब थे जिसमें केंद्र कमज़ोर था लेकिन देश के विभाजन के अनुभवों के कारण हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संसदीय व्यवस्था पर जोर दिया और अगर हम अपने संविधान के अलग अलग प्रावधानों को ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि उस संसदीय व्यवस्था में केंद्र की के तरफ ज्यादा झुकाव है संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं इकाइयों की तुलना में या राज्यों की तुलना में तो इस लिहाज से संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया लेकिन इसके साथ ही संविधान की जो मूल भावना है या संविधानिक जो प्रावधान है उसको भी एक सर्वोच्चता के स्तर पर रखा गया और ये एक हमेशा एक तनाव की स्थिति बनी रही जिसके बारे में हम आगे उस समय और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम विधायिका और न्यायपालिका के बीच के संबंधों पर बातचीत करेंगे अगर हम अपने देश के लोकतंत्र को देखें भारतीय लोकतंत्र के बारे में विचार करें तो यहाँ संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है इसी के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है जनता सर्वोपरि है और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोकतंत्र के विकास की ऐतिहासिक यात्रा पर ध्यान दें तो उसके आरंभिक दौर में हमेशा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक आदर्श माना गया जहाँ पर लोग बैठें आपस में बातचीत करें और मसलों का समाधान निकालें और कई सारे विद्वानों ने जिसमें रूसो प्रमुख हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की काफ़ी तीखी आलोचना की लेकिन अगर हम आधुनिक दौर की बात करें जहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है वह अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में जो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है वह एक बेहतर माध्यम के रूप में सामने आती है लोगों के विचारों को आ, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त करने के माध्यम के रूप में तो इस लिहाज से हमें यह समझना होगा कि जो संसदीय प्रणाली है वह लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप के संभव ना होने के कारण ही सामने आई है और इस अर्थ में जब हम संसदीय शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी लोकतांत्रिक लोकतांत्रात्मक राजनीति जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद या पार्लियामेंट कहते हैं भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित होते हैं और इसमें राज्यसभा के सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं बहरहाल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस में भारत की संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता संपन्न निकाय घोषित किया गया था 14-15 अगस्त उन्नीस की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियाँ ग्रहण कर ली अधिनियम की धारा आठ के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो गई किंतु यह भी अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखने की जरूरत है 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत को के गणराज्य का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में काम करती रही और वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनाव जो कि उन्नीस बावन में हुए उसके बाद संसद का गठन हुआ और एक अलग तरह की जो प्रणाली थी लोकतांत्रिक प्रणाली जो कि संविधान सम्मत थी संविधान के प्रावधानों के अनुसार थी वह सामने आई अनुच्छेद सेवेंटी नाइन या उन्यासी में यह कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून बनाने का काम करेगा संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद उन्यासी से 122 तक संसद के संगठन शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है अब हम एक एक करके राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति के बारे में जब हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे उस समय भी ज़्यादा विस्तार से विचार करेंगे तो यहाँ हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का किस तरीके का संबंध जो विधायिका है या जो संसद है उससे होता है जो एक महत्वपूर्ण बात हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है राष्ट्रपति के बारे में वह यह कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद उस निर्वाचक मंडल का एक प्रमुख भाग होती है और जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है और दूसरा कि जो राष्ट्रपति का के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वह भी संसद के भीतर चलाई जा सकती है तो एक तरीके से संसद का एक हिस्सा होने के साथ ही साथ राष्ट्रपति संसद के अधीन भी हो जाते हैं क्योंकि संसद अगर चाहे तो उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटा सकती है बहरहाल राष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद के अंग होते हैं और लेकिन वे ना तो किसी आ, सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं ना ही है उसकी चर्चाओं में भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वहाँ पर बैठते हैं राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठकों को आमंत्रित करता है दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दें इतना ही नहीं जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है हालांकि राष्ट्रपति यह काम और दूसरे जो काम है वह कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है जो सरकार होती है जिसका के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसके सुझावों पर ही करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है और यह पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से हमें यह समझ कर रखने की ज़रूरत है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देते हैं वह अभिभाषण एक तरीके से जो सरकार होती है केंद्र में उसकी नीतियों को ही परिलक्षित करता है उसमें राष्ट्रपति की अपनी मंशा या राष्ट्रपति का अपना विवेक या राष्ट्रपति की अपनी सोच परिलक्षित नहीं होती है और इन सब कामों के अलावा राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण भी कर सकते हैं और ये जो काम है एक बार फिर से वह कार्यपालिका के द्वारा निर्देशित होती है संसद से कानून पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है अनुच्छेद 111 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सीमित वीटो का प्रयोग करके उस कानून को संसद के पास फिर से विचार के लिए वापस भेज सकता है लेकिन यदि संसद साधारण बहुमत से उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर दस्तखत करना पड़ता है या चौदह दिन बाद उसके दस्तखत के बगैर भी वह कानून बन जाता है तो एक सीमित वीटो का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और वह बिल को वापस भेज सकता है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है वह यह कि जो मनी बिल होते हैं उसके बारे में या बजट के बारे में राष्ट्रपति को इस तरह का अधिकार नहीं है दूसरा राष्ट्रपति के पास पॉकेट विटो का भी अधिकार होता है पॉकेट विटो का अर्थ यह है कि इस बात की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि जब कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो कितने दिनों में उस पर विचार करके उसको वापस संसद को भेज सकते या फिर उसको कानून के रूप में मान्यता दे सकते हैं या दूसरा जो है कि वो संसद को वापस भेज सकते हैं जिसके बाद संसद साधारण बहुमत से फिर से उसे पारित करके उनके पास भेज सकती है और उसके बाद चौदह दिनों में उनके दस्तखत के बिना भी वो कानून बन सकता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास एक तरह का पॉकेट वीटो हो जाता है और सिर्फ एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था जो संसद का दूसरा अंग है राज्यसभा वह राज्यसभा जो होती है वो राज्यों की परिषद के रूप में होती है और यह प्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है यानी कि विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा का के सदस्यों का चुनाव करते हैं और प्रत्येक राज्य में के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उसकी जनसंख्या पर ही निर्भर करती है अब इस संदर्भ में हम यह ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा को जैसे आमतौर पर आ, अपर हाउस के रूप में जाना जाता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है और बहुत तर, सारे लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस का की व्यवस्था है और खास तौर पर यह माना जाता है कि जो अपर हाउस या राज्यसभा या फिर अगर हम अमेरिका के संदर्भ में सीनेट की बात करें तो वह एक तरीके से जो पूरी प्रक्रिया होती है कानून बनाने की उस पर निगरानी रखता है अमेरिका के संदर्भ में यह जो संघीय व्यवस्था है उसका भी प्रतिनिधित्व तो करता है और अमेरिका में अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं उनकी आकार की बजाय मतलब उनकी चाहे जो भी उनका आकार हो चाहे उनकी जनसंख्या जो कुछ भी हो सबकी सदस्य बराबर हैं लेकिन हिंदुस्तान में भारत में ऐसा नहीं है हमारी संसद में जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वे अलग अलग राज्यों की जनसंख्यात्मक स्थिति के आधार पर चुने जाते हैं तो जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं जिन राज्यों की जनसंख्या कम है वहाँ से राज्यसभा के कम सदस्य चुने जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के में से राज्यसभा के पाँच सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से इकतीस सदस्य चुने जाते हैं मणिपुर मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों से केवल एक एक सदस्य हैं और राज्यसभा में कुल 250 तक सदस्य हो सकते हैं और इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और दो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं और इनमें से सदस्य निर्वाचित और 12 द्वारा हैं जहां लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है वहीं राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और इन दोनों ही मामलों में बाद में न्यायालय के निर्णय के द्वारा अब यह एक नियम बन चुका है कि आ, अगर कोई व्यक्ति आ, इन दोनों सदनों का चुनाव लड़ता है और उसे तीन वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा दूसरा ये कि इन दोनों ही सदनों में जब लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो एक शपथ पत्र या एफिडेविट दाखिल करते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताते हैं अपनी धन संपत्ति के बारे में लोगों को सूचना देते हैं अपने ऊपर लगे केसेस के बारे में भी बताते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो कि बाद के समय में दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव से जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश में वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं निर्वाचित किए जाते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है और आमतौर पर जो दल बहुमत में होता है राज्यसभा में उसी का आ, कोई सदस्य उप सभापति चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं आमतौर पर ये जो सदस्य होते हैं वह छः साल के बाद आ, अप, आ, अपने उनका कार्यकाल समाप्त होता है और फिर दूसरे सदस्य चुने जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से चलती है कि हर दो वर्ष के बाद कुछ सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं या उनकी कार्य अवधि समाप्त होती है और नए सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है आ, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सभी राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड हो गए और एक बार एक बार में ही सारे सदस्यों के चुनाव की स्थिति आ गई तो राज्यसभा को एक अस्थाई सदन के रूप में भी जाना जाता है अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है और इसमें आ, फर्स्ट आ, पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है इसका अर्थ यह है कि जो जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को इसमें मतदान देने का अधिकार है और हम सब जानते हैं कि इकसठवें संविधान संशोधन से पहले ये जो आयु थी जो कि उन्नीस में संविधान संशोधन हुआ था तो उसके पहले यह आयु 21 वर्ष थी तो बाद में इसको 18 वर्ष किया गया भारत में जो ये लोअर हाउस या लोकसभा होता है उसकी कार्य अवधि उस या उसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर यह लोकसभा या लोक यह सदन जो है वो खुद भंग हो जाता है कुछ परिस्थितियों में संसद को पूर्ण कार्य अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है और हम सब हमारे देश में ऐसा कई बार हुआ भी है मिसाल के तौर पर जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई तो मध्यावधि चुनाव हुए 1980 में उसी तरीके से उन्नीस में जनता दल की सरकार बनी थी वीपी सिंह के नेतृत्व में उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी लेकिन ये दोनों सरकारें चूँकि सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई और उसके बाद कोई और दल सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी तो उन्नीस सौ इक्यावन इक्यानवे में चुनाव हुआ उसकी उसी तरीके से फिर उन्नीस सौ अंठानवे और उन्नीस सौ निन्यानवे में भी हमारे देश में मध्यावधि चुनाव हुए हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है तो मध्यावधि चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन कराए जाते हैं अच्छा संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्र में समान शक्तियाँ एवं दर्जा प्राप्त हैं लेकिन ये जो कुछ मामले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आ, कोई भी गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने या निर्वाचित करने संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति के अध्यादेशों आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक और इस उद्घोषणा को जब संसद के सामने रखा जाता है तो दोनों ही सदनों की आ, एक सहमति इस पर जरूरी होती है किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति हो तो इसके लिए संसद के संयुक्त की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं दोनों सदनों की ऐसी बैठक पीठासीन अधिकारी आ, के द्वारा बुलाया जाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है अगर वह नहीं है तो फिर लोकसभा का उप उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति इस तरह की बैठकों की अध्यक्षता करता है जब हम संसद के द्वारा कानून बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे तब हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर वापस लौटेंगे कि संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है उसका क्या प्रभाव होता है लेकिन अगर हम संसद के सत्र और बैठकों की बात करें तो इस संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद गठित होती है और लोकसभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ आरंभ होती है इसके निर्वाचित सदस्य भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए भारत की प्रभुता और अखंडता अखंडता अक्षुण्ड रखने के लिए और संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के लिए शपथ लेते हैं राज्यसभा के बारे में जैसा मैंने पहले कहा कि चूँकि वह एक लगातार चलते रहने वाले सदन के रूप में है तो उसका अलग से ऐसा कभी मौका नहीं आता है उसके पास कि सारे सदस्य एक साथ शपथ ले रहे हैं लेकिन जो भी नए सदस्य चुने जाते हैं वह भी इसी तरीके से शपथ लेते हैं इसके बाद राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक को आ, के लिए आमंत्रित करना होता है यदि अब सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है आ, एक तरीके से हम देखें तो आ, जो विधायिका में आ, जो एक पूरा उसका बिल है साधारण बिल उसको विधायिका के पास वापस भेजने और पॉकेट वीटो का कई बार प्रयोग करने जो कि वो भी एक आ, तरीके से असहज स्थिति हो सकती है और दूसरे स्तर पर कई बार आ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूरा प्रस्ताव आता है उसको एक बार वापस भेजने कि जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है वह उसकी विवेकाधिकार के अधीन की, की शक्तियां हैं और बाकी अधिकांश काम वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के माध्यम से ही आ, करते हैं तो हम यह देखेंगे कि संसद के सत्र को कब बुलाना है वह कितने दिन का होगा आ, उसमें राष्ट्रपति जो अभिभाषण देंगे उसकी उसका पूरा कंटेंट क्या होगा उसके अंतरवस्तु क्या होगी ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल के द्वारा तय की जाती हैं अब जो संसद का सत्र होता है हमारे देश में वह प्रतिवर्ष तीन सत्र होते हैं बजट अधिवेशन मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन अब इसमें बजट अधिवेशन काफ़ी बड़ा होता है यह दो भागों में बटा होता है और इस दौरान बजट प्रस्तुत किया जाता है रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है आज वर्तमान दौर में रेल बजट और बजट को एक साथ मिला दिया गया है पहले यह अलग अलग होता था तो और इसके अलावा भी आ, कई अन्य तरह के विधेयक ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये आ, सत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है आमतौर पर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र छोटे होते हैं लेकिन किसी भी दो सत्र के बीच में छः महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है क्योंकि ऐसी नीतियों के क्योंकि इसके माध्यम से वे नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं जो कि सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली होती है या हैं या जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण मानती है साथ ही पहले वर्ष की सरकार की गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी इसमें दी जाती है राष्ट्रपति का अभिभाषण चूँकि सरकार की नीति का विवरण होता है अतः उसे सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है और इस अभिभाषण पर बहुत व्यापक चर्चा होती है और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर चर्चा की जा सकती है जिनका कि अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख ना हो तो यह एक ऐसा अवसर होता है जहां पर सरकार अपनी नीतियों को प्रस्तुत करती है और जो विपक्ष होता है वह उस चर्चा में ज़ोरदार तरीके से अपने तर्कों के माध्यम से सरकार की नीतिगत विफलताओं को सामने रखता है विपक्ष के जो सांसद होते हैं वे यह कोशिश करते हैं कि वे कुछ खास तरीके की कमियों को सामने ले आएं। तो ये एक ऐसा अवसर होता है जिस पर कि सरकार के पिछले वर्ष के काम उसके आगे की नीतियों अगर नई सरकार गठित तो हुई है तो उसकी भविष्य दृष्टि इन सब का एक दस्तावेज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सामने आता है और सांसद उस पर खुलकर वाद विवाद करते हैं इसके अलावा सांसदों के पास कई ऐसे साधन हैं ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से वे सरकार की पूरी गतिविधियों को प्रश्नांकित कर सकते हैं और सरकार पर नियंत्रण रख सकते हैं ऐसे कुछ जो तरीके हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है वो एक प्रश्नकाल है जिसमें आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है सांसद से सांसद द्वारा किसी मंत्री से मंत्रालय के बारे में और मंत्री उसका जवाब देते हैं उसके बाद शून्यकाल होता है जिसमें कि आमतौर पर किसी भी तरीके के तात्कालिक मुद्दों को उठाया जा सकता है ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव होता है जिसमें कि यह कहा जाता है कि कोई मुद्दा इतना जरूरी है कि उस पर व्यवस्थित रूप से संसद को बातचीत करनी चाहिए और उसके लिए अभी जो एक सामान्य कार्रवाई चल रहा है उसको स्थगित कर देना चाहिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है इसके माध्यम से भी सांसद जो होते हैं कुछ ऐसे मामलों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिन पर कि उन्हें लगता है कि चर्चा किए जाने की आवश्यकता है आपातकालीन चर्चाएं विशेष उल्लेख प्रस्ताव संकल्प ये सभी इसी तरीके के माध्यम हैं जिससे कि अलग अलग तरीके से जो आ, सांसद होते हैं वो सरकार के सामने उन मुद्दों को लाने की कोशिश करते हैं सदन के सामने उन मुद्दों से जुड़े विशेष पहलुओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं निंदा प्रस्ताव में किसी एक खास मंत्री या मंत्रालय की कमियों को सामने रखकर उसकी आलोचना प्रस्तुत की जाती है, था था है तो और यह कोशिश की जाती तो है कि उसका ध्यान इस ओर दिलाया जाए निंदा प्रस्ताव काफ़ी एक गंभीर प्रस्ताव माना जाता है और इसका माना जाता है कि और यह माना जाता है कि अगर यह प्रस्ताव किसी के खिलाफ पारित हो जाता है किसी मंत्री के खिलाफ तो यह पूरे सरकार के खिलाफ एक तरीके से बहुत ही गंभीर आरोप और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार के खिलाफ जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे उस पर भी चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग में अगर लोकसभा में सरकार और ये अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आता है तो वोटिंग में अगर सरकार अपने बहुमत को साबित नहीं कर पाती है तो फिर वो गिर जाती है और एक या तो नए सरकार बनती है जिसके पास बहुमत हो या फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं और नए चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है तो ऐसे बहुत तरह के साधन हैं जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे सरकार को उसकी कमियों के बारे में जागरूक कर सकते हैं और चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली बहस पर मीडिया की नज़र होती है तो मीडिया के माध्यम से लोगों को भी यह जानकारी पहुंचती है कि किस तरह की कमियां सरकार के कार्यों में हैं और विपक्ष के जो दल होते हैं उनकी सक्रियता से जो सरकार है उसकी कमियों को ज़्यादा मजबूती से सामने लाया जा सकता है संसद में बजट पेश करने का काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अनुच्छेद एक में बजट पेश करने संबंधी प्रस्तावों के बारे में बताया गया है बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद होती है चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सारोकार नहीं होता है मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है और अगर राज्यसभा को संशोधन भेजती भी है तो लोकसभा उसे स्वीकार करने या स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र है तो इसमें राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है और राज्यसभा इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगे स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है यानी कि एक लंबी प्रक्रिया होती है बजट का का पारित होना और इसीलिए जब तक संसद इस पूरी बजट के मांगों को या बजट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक के लिए आवश्यक होता है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो और इसीलिए लेखानुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया है कि इस पूरी अवधि के लिए कुछ जो राशि आवश्यक होता है वह लेखानुदान के माध्यम से दे दिया जाता है इस संदर्भ में यह भी याद रखने की आवश्यकता है बजट के अलावा एक अन्य श्रेणी मनी बिल की होती है और बजट को भी उसका हिस्सा माना जाता है जिसे धन विधेयक बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष किसी बिल को मनी बिल घोषित करता है और ऐसे बिल के संबंध में भी राज्यसभा की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं तो ना तो राष्ट्रपति और ना ही राज्यसभा जो है वो मनी बिल के संदर्भ में कुछ खास कर पाता है आमतौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें मनी बिल संसद में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वह मनी बिल है या नहीं इसके बारे में आखिरी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का माना जाता है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में भी एक अंतर होता है और अनुच्छेद 110 सौ एक ए से जी के बीच जो विषय आते हैं वे धन विधेयक माने जाते हैं और इसमें कई बार विवाद भी होता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं माना जाए और धन विधेयक या मनी बिल मानने का फायदा सरकार को क्या होता है सरकार को फायदा यह होता है कि अगर राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है तो वह किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करवाकर लोकसभा में अपने बहुमत के आधार पर आसानी से आगे बढ़ा सकती है तो इससे कई बार कुछ उपबंधों को जोड़कर थोड़ी जोड़ तोड़ करके भी किसी विधेयक को आ, मनी बिल के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है वित्त विधेयकों में आ, के संदर्भ में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है कुछ वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो कुछ दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तो मुख्य जो श्रेणी है वो मनी बिल या बजट से संबंधित है तो बजट के अलावा भी एक मनी बिल होता है लोकसभा अध्यक्ष उसके बारे में फैसला करते हैं और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोक जो कि एक विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के शक्ति को काफ़ी बढ़ा देती है और राज्यसभा की जो पूरी शक्ति होती है उस संदर्भ में कम हो जाती है हम अगर संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया की बातचीत करें तो जो सबसे बुनियादी चीज़ इस संदर्भ में है वो ये कि कानून बनाना संसद का प्रमुख काम है कि जो नई नई तरह की स्थितियाँ सामने आ रही हैं उसके उसमें कानून बनाएं और कानून बनाकर एक उस परिस्थिति को सही तरीके से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश दें यह संसद का काम है और इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी अपना मुहर लगा देता है सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार मोटे तौर पर दो प्रकार के विधेयक होते हैं पहला सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक अब विधि के रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं वो आमतौर पर विधि का रूप नहीं ले पाते हैं और उनकी जो मुख्य मंशा होती है उस तरह के विधेयक की वह यह होती है कि वे किसी खास तरीके के मुद्दे पर सरकार का ध्यान सदन का ध्यान और आम लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं और इसके माध्यम से जैसे कुछ समय पहले लोग राज्यसभा में एक सदस्य इस तरीके का विधेयक निजी विधेयक लेकर आए थे जिसमें ये कहा गया था कि घर के काम से महिलाओं को भी एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए जो घरों गृहणियाँ हैं उन्हें तो ये एक तरीके का मुद्दा था जिसपे कि कुछ लोगों ने अलग तरीके से चर्चा की कि घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके श्रम को किस तरीके से मान्यता दी जाए तो आमतौर पर जो ये गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनका उद्देश्य जो होता है वह यही होता है और जो विधेयक कानून का रूप ले पाते हैं वे वही विधेयक होते हैं जो कि कार्यपालिका के द्वारा या सरकार के द्वारा लाए जाते हैं विधेयक का मसौदा उस विषय से संबंधित सरकार के मंत्रालय में विधि मंत्रालय की सहायता से तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे सदन के सामने लाया जाता है संबंधित मंत्री द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है केवल धन विधेयक के, के मामले में यह पाबंदी है जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता अधिनियम का रूप लेने से पूर्व विधेयक को संसद के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदन में तीन वाचन होते हैं अर्थात पहला वाचन दूसरा वाचन और तीसरा वाचन विधेयक पेश करना विधेयक का पहला वाचन है प्रथा के अनुसार इस अवस्था में चर्चा नहीं की जाती है कई बार यह बहुत सारी समितियों को सौंप दी जाती है कई विधेयक अगर बहुत ही आ, गंभीर आ, मुद्दे से संबंधित होते हैं तो उनके लिए संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया जाता है और इसमें विभिन्न दलों का जो संसद में अनुपात होता है उसके अनुपात में प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है मिसाल के तौर पर जब वन अधिकार कानून 2005 में बन रहा था और जब ये बिल संसद में आया तो उसको उस पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी और उसके बाद जब उसने अपनी रिपोर्ट रखी तो फिर से इस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा हुई कई बार तो अधिक अलग अलग तरीके की समितियां जो संसद में होती हैं वे न सिर्फ संसद के कार्य को सही तरीके से संचालित करने का काम करती हैं बल्कि वे विभिन्न मंत्रालयों के कामों पर भी एक नज़र रखती हैं वे नए बनने वाले कानूनों पर भी विस्तार से विचार करती हैं और ये जो समितियाँ होती हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सरकारी पक्ष के लोग नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग दलों के प्रतिनिधि होते हैं तो इस लिहाज से ये समितियाँ भी संसद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो जो विधेयक दूसरा वाचन होता है वो पहले स्तर से गुजरने के बाद होता है जो कुछ समितियों के पास जाता है या फिर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है और इस अवस्था में जो दूसरा वाचन होता है उसमें उसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच की जाती है जब विधेयक के सभी खंडों पर और अनुसूचियों पर जो कि अगर अलग अलग कोई अनुसूचियाँ हैं तो सदन उन पर विचार करता है और उन्हें स्वीकृत करता है और उसके बाद संबंधित मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पास किया जाए यह तीसरा वाचन कहलाता था है थर्ड रीडिंग और जिस सदन में विधेयक पेश किया गया है उसमें पास किए जाने के बाद उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है वहाँ विधेयक पर को फिर से इन तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और अगर संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा विचार कर लिया गया है तो उसको थोड़ी बहुत वैधता मिली होती है दूसरे सदन में भी किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध पैदा भी हो सकती है और उस गतिरोध पैदा होने की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत और हमें यह ध्यान रखना होगा कि हालांकि यह एक ऐसा तरीका है जिसका कि सहारा सरकारें ले सकती हैं खासतौर पर वैसी सरकारें जिनका कि लोकसभा में बहुमत है पर राज्यसभा में बहुमत नहीं है और कानून बार बार रोक दिए जाते हैं राज्यसभा के द्वारा लेकिन हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में एक ऐसी प्रथा स्थापित हो चुकी है जिसमें इसे बहुत ही आकर्षक विकल्प नहीं माना जाता है और यह माना जाता है कि एक तरीके से यह राज्यसभा की आवाज़ को दबाने की कोशिश है तो आमतौर पर सरकारें इसका सहारा नहीं लेती हैं और अभी तक की हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में सिर्फ तीन बार संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया गया है पहला दहेज निषेध कानून उन्नीस के संदर्भ में आ, दूसरा उन्नीस में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल के बारे में और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के बारे में 2002 में तो इसका बहुत ही कम उपयोग किया गया है और जब अगर मान लीजिए कि संयुक्त सत्र की बैठक बुलाई जाती है तब भी यदि उसके बाद जब वो आ, बिल पास होता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अनुमोदन के लिए और यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो उस स्थिति से विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है यहाँ पर आ, हम संसदीय विशेषाधिकारों की भी बात कर सकते हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें प्रत्येक सांसद को अपने आ, विचारों को रखने की आज़ादी होती है संसद में और संसद में वो चाहे जो भी विचार रखे इसके लिए उस पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है तो एक सांसद अगर चाहे तो वो संसद में न्यायपालिका की भी तीखी आलोचना कर सकता है और उसकी उस आलोचना को आधार बनाकर न्यायपालिका अवमानना का जो पूरा एक केस है उसके ऊपर दर्ज नहीं कर सकती है संसद के परिसरों के भीतर अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना दीवानी या आपराधिक कोई कानून सम्मन नहीं दिए जा सकते हैं अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष सभापति के आदेशों का पालन होता है यहाँ अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता इसके अलावे अगर संसद को ये लगता है कि किसी बाहरी अधिकारी ने उनके आदेशों की अवमानना की है या किसी ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जो संसद की गरिमा के खिलाफ हैं तो फिर संसद उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है या फिर उन्हें संसद उन्हें संसद के भीतर बुलाकर भी एक तरीके से उन्हें यह कह सकती है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है तो एक तरीके से उन्हें संसद के में बुलाने और उनसे ये कहने का अधिकार भी संसद को है कि संसद की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है तो संसद के पास संसदीय विशेषाधिकारों के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और अगर कोई मंत्री गलत सूचना देता है आ, अगर कोई सांसद गलत सूचना देता है तो उस पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का भी प्रस्ताव लाया जाता है जो संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है वह संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद तीन में है जो कि संविधान के भाग 20 में आ, शामिल है उन्नीस में संविधान के लागू होने के बाद से इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं और चूँकि संशोधनों की संख्या बढ़ती रहती है तो ये मुमकिन है कि जब तक आप इसे देख रहे हों उसमें कुछ और वृद्धि हो गई हो लेकिन जो ये पूरी प्रक्रिया है उसे समझने की आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद तीन में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है साधारण विधि द्वारा संशोधन दूसरा संसद की विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा संसद की विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की, विधान की स्वीकृति से संशोधन साधारण विधि द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की, की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं पहला नए राज्यों का निर्माण दूसरा राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन तीसरा संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन होता है यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की दो तिहाई मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है तीसरा संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति तीसरा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार चौथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पांचवा केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय छठा संघीय न्यायपालिका सातवां राज्यों के उच्च न्यायालय आठवां संघ एवं राज्य में विधायी संबंध नौवां सातवीं अनुसूची का कोई विषय दसवां संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 11वां संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध संविधान संशोधन के लिए कभी भी संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय ने यह सीमा भी लगाई है कि लगाई है कि संविधान की बुनियादी संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता है आ, ये बुनियादी संरचना की जो बात है उस पर मैं और थोड़ा विस्तार से अपनी बातों को रखूंगा जब हम कार्यपालिका और जब हम विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों की बात करेंगे लेकिन जो आ, मुख्य बात है संविधान संशोधन की पूरी विधि के बारे में वह यह है कि संविधान में कुछ मामलों के लिए बहुत ही सरल संशोधन पद्धति रखी गई है कुछ मामलों के लिए थोड़ी कठिन और कुछ अन्य मामलों के लिए अत्यधिक कठिन और ये जो पूरी प्रक्रिया है अब वह न्यायपालिका की जांच के दायरे में भी है बुनियादी संरचना की अवधारणा के माध्यम से आ, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद बातचीत करेंगे और विस्तार से अगर हम संसद और कार्यपालिका के संबंधों को देखें तो निश्चित रूप से जो एक विचार है वह यह माना जाता रहा है कि जो वर्तमान दौर में जो कार्यपालिका है उसका संसद पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण है क्योंकि दल बदल कानून के कारण कोई भी जो पार्टी का सांसद होता है वो अपने पार्टी के विप का उल्लंघन नहीं कर सकता है कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कार्यपालिका के जो आ, सदस्य होते हैं जो मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं वह वे संसद की कार्रवाई को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं पहले आ, के दौर में अगर जवाहरलाल नेहरू के काल को हम देखें तो वहाँ पर कार्यपालिका में के द्वारा विधायिका को पर्याप्त सम्मान दिया जाता था और विधायिका में होने वाले बहसों का असर कार्यपालिका की नीतियों पर पड़ता था बाद के दौर में इंदिरा गांधी के दौर में यह संबंध जो है वो काफ़ी हद तक कार्यपालिका के डोमिनेशन का हो गया जबकि हकीकत यह है कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए लोकसभा पर निर्भर है लेकिन बाद में स्थिति और बदतर हुई जबकि दल बदल विरोधी कानून आया जिसमें पहले प्रावधान था कि एक तिहाई सदस्य अलग होकर अपने लिए दल का निर्माण कर सकते हैं बाद में इसमें और संशोधन किया गया और इसकी संख्या बढ़ाकर दो तिहाई सदस्य कर दी गई लेकिन मसला सिर्फ पार्टी से अलग होने का नहीं है मसला यह भी है कि आम तौर पर जो सांसद हैं वे अपनी पार्टी लाइन से हटकर अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं अगर वे किसी विषय में अपने पार्टी के विचारों से असहमत हैं तब भी उन्हें पार्टी की पूरी जो लाइन है उसको उसका अनुसरण करना होता है अगर वो ऐसा ना करे तो उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से कार्रवाई हो सकती है या कहा जा सकता है कि उन्होंने दल से अलग जाकर काम किया है तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है यहाँ मैं बस एक छोटे से बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूँ एक राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में जब विचार किया तो उन्होंने यह कहा कि जो लोग वोट डालते हैं उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि या उनके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि वे खुलकर बताएं कि उन्होंने किसको वोट दिया है और फिर वो उसके कारणों को बताएं कि उन्होंने किसी को वोट क्यों दिया है अगर हम इस पूरी सोच को हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर लागू करना चाहें तो शायद बहुत आदर्श स्थिति पैदा नहीं होगी क्योंकि समाज के कई वंचित तबके होते हैं जो कि प्रभुत्वशाली तबकों से डरे होते हैं तो वो अगर खुलकर बताएंगे कि उन्होंने किसे वोट दिया है तो शायद ये उनके लिए एक हिंसा का खतरा पैदा कर सकता है लेकिन शायद जेस मिल के इस विचार को हम अपने सांसदों पर लागू कर सकते हैं अगर सांसदों को हम यह अधिकार दें कि वे अविश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामलों पर अपने दल की लाइन से अलग जाकर वे विचार रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से विचार सामने आ सकते हैं और वो कार्यपालिका को एक संदेश भी दे सकते हैं कि उनके पार्टी के भीतर भी लोग तार्किक या आलोचनात्मक तरीके से सरकार के लाइन से कुछ अलग सोच रख रहे हैं तो ये एक ज़रूरी सुधार की चीज़ हो सकती है लेकिन वर्तमान स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि जो विधायिका है वह काफ़ी हद तक कार्यपालिका के नियंत्रण में है हालांकि कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका पर निर्भर है लेकिन अगर किसी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वह विधायिका से वो सारे काम करवा लेती है जो वो करवाना चाहती है गठबंधन सरकारों के दौर में स्थिति थोड़ी बहुत बदली थी लेकिन जैसे ही वह सरकार एक दल की हो जाती है तो वो पूरी तरीके से अपना मनमाना कार्य करना आरंभ कर देती है कई सरकारें नहीं करती हैं कई सरकारें कर सकती हैं हालांकि गठबंधन के दौर में सरकारें हमेशा ही अलग अलग दलों के कारण विधायिका पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं अब अगर हम न्यायपालिका के संदर्भ में बात करें तो हमने ये जिक्र किया था कि जो केशवानंद भारती जजमेंट आया था उन्नीस में उसके बारे में उसके आधार पर एक या उसके द्वारा एक बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना प्रस्तुत की गई इसके बारे में जुडिशरी से संबंधित एपिसोड में भारतीय न्यायपालिका से संबंधित एपिसोड में आ, हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की सिर्फ संकल्पना का अर्थ और इसका जो एक संसद पर प्रभाव है उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा ये पूरी संकल्पना जो उन्नीस में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई उसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर संसद चाहे तो वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन वो संविधान की बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है आ, उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने कुछ सूची देने की कोशिश की कि, कि किन चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर सकते हैं अन्य न्यायाधीशों ने भी इस बात को रखा लेकिन आ, कुल मिलाकर कोई पक्की सूची नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती हैं बाद में मिनरवा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को दोहराया और अब इसी एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया है कि संसद आ, संविधान की बुनियादी संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है और इसने विधायिका की शक्तियों पर सीमा लगाने का काम किया है क्योंकि इसके कारण से विधायिका के द्वारा पारित किया जाने वाला हर संशोधन विधायिका के द्वारा बनाया जाने वाला हर कानून न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ चुका है लेकिन कुछ मामलों में विधायिका ने भी अपने शक्तियों की दावेदारी फिर से करने की कोशिश की है मिसाल के तौर पर 2005 में झारखंड विधानसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश को विधानसभा के अधिकारों में दखल माना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि झारखंड विधानसभा अपनी बैठक करे और नेता का चुनाव करे दो में लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी उन्होंने घूस लेकर प्रश्न पूछने के मामले में कई सांसदों को बर्खास्त कर दिया अब जब यह सांसद सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक नोटिस जारी किया लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में आ, पेश होने का या जवाब देने के लिए तो सर्वोच्च तो बाद में सोमनाथ चटर्जी ने एक बैठक बुलाई विधानसभा अध्यक्षों की और उस पर यह तय किया गया कि यह जो पूरा मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को के नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संसद के भीतर का मामला है और इसमें संसद को और लोकसभा अध्यक्ष को आ, अपने कार्यों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है तो कुछ मामलों में संसद ने अपने अधिकारों की दावेदारी भी की है कई ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आ, संसद ने पलटा है और उसके बाद जब वो मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय के पास गया तो संसद तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के निर्णय को स्वीकार कर लिया है तो एक टकराव की स्थिति बहुत आगे तक नहीं गई कई ऐसे मामले भी हुए हैं जैसे मिसाल के तौर पर जो जजों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन बनाने की बात थी उस उस पूरे संविधान संशोधन को और उस पूरे कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया तो फिर संसद उस मामले पर आगे नहीं गई तो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी मौजूद है और एक सीमा तक आगे जाने के बाद ना तो संसद और ना ही सर्वोच्च न्यायालय अभी तक बहुत गंभीर टकराव की स्थिति में आए हैं लेकिन यह पूरी तरीके से सुलझा हुआ मसला नहीं माना जा सकता है कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कौन ज़्यादा आगे की ओर शक्तियाँ रखता है हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर के संकल्पना के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ज़्यादा हैं लेकिन हमें यह चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब हम एक बेहतर लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं तो उसमें जो शासन के सभी अंग होते हैं उनकी अपनी भूमिकाएं होती हैं और उनकी भूमिकाओं की सीमाएं भी होती हैं तो जब तक सभी अंग अपनी शक्तियों को अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं समझेंगे उसका संचालन सही तरीके से नहीं करेंगे और अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक एक संतुलित सुशासन की स्थापना करना मुश्किल काम ही माना जाएगा बहरहाल अगर हम आ, संसद के बारे में कुछ आलोचनात्मक पहलुओं पर ध्यान दें तो यह बात आम तौर पर सामने आती है कि संसद की भूमिका में काफ़ी हद तक क्षरण हुआ है इस संदर्भ में मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूँगा पहली बात तो यह है कि जो आ, संसद में का जो स्वरूप है उसके बारे में एक वाद विवाद चलता रहा है बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि जो आरंभिक दौर में सदन था संसद थी जिसमें बहुत विद्युतापूर्ण वाद विवाद हुआ करता था वह खास तौर पर 80-90 और वर्तमान दौर तक आते आते काफ़ी नीचे की तरफ जा चुकी है और उसमें एक बड़ा कारण माना जाता है अपराधीकरण का कि जो भी सांसद चुन के आ रहे हैं उनमें काफ़ी बड़ी संख्या में अपराधी प्रवृत्ति या अपराधी रिकॉर्ड रखने वाले सांसद हैं सत्रहवीं लोकसभा में दो सांसद यानी कि लोकसभा के भीतर 233 सांसद तकरीबन आधे सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं अब यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी बहुत गंभीर अपराधी हैं लेकिन इनमें बहुत सारे गंभीर अपराधी भी हैं तो इसके कारण से यह कहा जाता है कि लोकसभा की स्थिति कमज़ोर हुई है हालांकि क्रिस्टोफ जेफ्रेलो और कई अन्य ऐसे विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि नब्बे के दशक के बाद जो प्रतिनिधि निकाय हैं राज्य विधानसभाएं और लोकसभा भी और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में वो विशेष रूप से उत्तर भारत का उदाहरण लेते हैं और लोकसभा के बारे में उनका यह मानना है कि यहाँ पर जो समाज की पिछड़ी जातियों की संख्या है वह बढ़ी है उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है तो यह तर्क दिया जाता है कि जो पहले की लोकसभा होती थी उसमें जो आम लोगों का जनसंख्यात्मक समूह है वह पूरी तरीके से परिलक्षित नहीं होता था वो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे जहाँ जनता में दूसरे समूह के लोग हावी थे वहीं प्रतिनिधि कुछ खास समूहों से आते थे जो कि बाद में आके परिवर्तित हुआ तो लोग कई विद्वान इसे एक सकारात्मक पक्ष के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संसद के वाद विवाद की का जो अस्तर पहले होता था उसमें काफी गिरावट आई है और उसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि संसद में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की वृद्धि हुई है इसका कारण यह भी है कि संसद का जो एक बड़ा काम का जो एक बड़ा हिस्सा है वह वाद विवाद की बजाय हंगामों में खर्च हो जाता है और कोई भी ऐसा मुद्दा आता है जिससे विपक्ष असंतुष्ट होता है या सरकार एक तरह की लीक पकड़ लेती है कि वो इस चीज़ को पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर विपक्ष आमतौर पर संसद में हंगामे का सहारा लेता है तो हंगामा संसद में हंगामा करना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी एक पक्ष को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता किसी एक पक्ष को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता लेकिन हकीकत यह है कि यह एक परिघटना के रूप में हमारे सामने है जिससे जिसके कारण भी संसद की जो पूरी स्थिति है वह कमजोर हुई है दल बदल कानून की मैंने चर्चा की उसके कारण भी सांसद जो हैं वह बस अपने पार्टी के रटे रटाए तोते के रूप में तब्दील हो चुके हैं कोई भी सांसद ऐसा नहीं होता है जो कि किसी विषय पर अपने पार्टी लाइन से अलग जाकर कोई तार्किक या बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर पाए आमतौर पर ऐसे सांसद नहीं हैं और इसके लिए दल बदल कानून की व्यवस्था भी मेरे हिसाब से जिम्मेदार मानी जा सकती है इसके अलावा हम ये देखेंगे कि राज्यसभा जो कि काफ़ी हद तक पहले माना जाता था कि गंभीर स्तर पर बातचीत करती है वो भी हंगामे के कारण प्रभावित हुई है राज्यसभा के अंदर एक और प्रवृत्ति सामने आई है कि तौर पर जो राजनीतिक दल होते हैं वे ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं आ, जो कि कई मामले में उन्हें पार्टी को चंदा देते हैं कई मामलों में वे आ, जो आंतरिक राजनीति होती है उसमें एकोमोडेट किए जाने के लिहाज से आ, राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं तो एक जो राज्यसभा के पीछे जो सोच थी कि वो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व तो करेगी वह काफ़ी हद तक कमजोर हुई है इसके अलावा संसद में वंशवाद की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है आमतौर पर हम कुछ परिवारों को इंगित करते हैं लेकिन कंचन चंद्रा ने अपने अध्ययन में बताया है कि काफ़ी बड़ी तादाद में हर दल में आ, जो वंशवादी प्रवृत्ति के सांसद हैं वो मौजूद हैं और इसके कारण से भी जो लोकतंत्र जमीनी स्तर से उठकर आना चाहिए था वो थोड़ा बहुत आ, बाधित हुआ है आ, लेकिन फिर भी आ, हम मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने लोकतंत्र को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें संसदीय व्यवस्था के भीतर आई इन खामियों से उभरने की कोशिश करनी होगी और तभी लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर दिशा में आगे जा सकेगा जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग संस्थाओं के बीच शक्ति के संतुलन और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी कायम रहनी चाहिए तो ये ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करके ही हम एक बेहतर लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं मुझे ये उम्मीद है कि यह जो पूरी परिचर्चा है उसके माध्यम से आप भारत के संसद के बारे में एक सामान्य समझ बनाने में आ, सफल हो पाएंगे और आप आगे अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे और विभिन्न आयामों के बारे में एक ज़्यादा गहरी समझ बनाने की कोशिश करेंगे आ, इस एपिसोड की इस पूरी चर्चा को मैं यहीं आ, विराम देता हूँ अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक नए विषय पर एक नए पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार